Good morning, students. In the previous class, what we have learned? We have learned number line of subtraction and properties of subtraction. ठीक है? अब आज हम क्या करेंगे? Subtract करना सीखेंगे. Subtract करना आपने already पता है आपको. Subtract करना, minus करना, fingers की help से first class में सब पढ़ा हुआ है. ठीक है? अब हम second class में subtraction सीखेंगे with three digit number. ठीक है, वेरी इजी पार्ट एंड द पॉजिटिव पार्ट इज दैट कि अभी आप घर पे हो, आपके भैया, मम्मी, पापा, बहन बड़ी या आपके यंगस्टर्स जो भी आपके घर रहते हैं वो आपकी इसमें जरूर हेल्प करेंगे. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट सब्ट्रैक्शन विथ थ्री डिजिट नंबर. अब सब्ट्रैक्ट करते वक्त सबसे फर्स्ट हमको याद रखना है देयर आर टू नंबर्स 990 एंड 740. तो पहले तो आपको कंपेयर करना, फर्स्ट स्टेप कंपेयर 990 एंड 740 विच वन इज ग्रेटर. हमेशा बड़े नंबर्स में से छोटे नंबर को माइनस करना होता है. तो ये याद रखो 990 और 740 में से कौन सा नंबर बड़ा है ना. तो 990 इज ग्रेटर वन. सो आप पहले लिखोगे 990 माइनस 740. ओके, दोनों थ्री डिजिट नंबर है. ठीक, सबसे फर्स्ट मेथड. अब हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है. तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम विच प्लेस? वंस प्लेस. वंस में से माइनस करोगे, स्टार्टिंग हमेशा वंस प्लेस से. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, तीनों हम वंस प्लेस से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो हम वंस प्लेस से स्टार्ट करेंगे. जीरो माइनस जीरो, आंसर इज अ बिग जीरो. नाइन माइनस फोर. अब अभी तक आपने फर्स्ट क्लास में दो तीन मेथड किए होंगे. कोई बच्चा ऐसे लाइन ड्रॉ करके माइनस करता है, कोई बच्चा ऐसे फिंगर्स निकाल के माइनस करता है. ठीक है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट मेथड. एक मेथड मैंने बताया आपको, वो ये है कि 9 माइनस 4 है तो आपको नीचे से ऊपर जाओ. 4 है, 4 को रखो अपने माइंड में. ठीक है, और 4 के आगे काउंट करो जब तक आपको 9 ना मिल जाए. ठीक है, जैसे 4 के आगे काउंट करेंगे कहां तक? 9 तक. 5 6 7 8 9. हाउ मेनी फिंगर्स आर देयर? कितनी फिंगर्स हो गई है? 5, है ना. तो यू हैव टू राइट डाउन ओवर हियर 5. ठीक है, कुछ बच्चे लाइन ड्रॉ करके करते हैं, कुछ बच्चे ये 4 5 फिंगर्स निकाला उसमें से 4 9 फिंगर्स निकाला उसमें से 4 फिंगर माइनस, वैसे करते हैं. और एक मैंने मेथड बताया है कि नीचे से ऊपर जाना है. नीचे जो नंबर लिखा है 4, उसको छोड़ के उसके बाद कब तक काउंट करना है? जब तक आपको 9 ना मिल जाए. 4 के बाद 5 6 7 8 9. कितनी फिंगर्स थी? 5 फिंगर्स. तो यू हैव टू राइट डाउन योर 5. ओके, नाउ अगेन 9 माइनस 7, फिर से 7 यू हैव टू कीप इन योर माइंड. अब 7 के आगे कब तक हमें काउंट करना है? जब तक हमें 9 ना मिल जाए. तो 7 के आगे काउंट करो 8 9. कितनी फिंगर्स में 9 मिला? 2 फिंगर्स में. सो यू हैव टू राइट डाउन हियर 2. ओके, सो 990 माइनस 740 द आंसर इज 250. और माइनस करके जो आंसर मिलता है उसको हम कहते हैं डिफरेंस. क्या कहते हैं? डिफरेंस. क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है, सब्ट्रैक्ट की जगह फाइंड द डिफरेंस. तो आपको क्या करना रहेगा? माइनस. क्वेश्चन रहेगा फाइंड द सम, तो क्या करना है? प्लस. ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया. ओके, नाउ स्विच टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन 947 135. स्टेप नंबर 1, यू हैव टू कंपेयर बोथ द नंबर्स, है ना. दोनों नंबर को कंपेयर करो, 947 और 135. दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है? 947 हमारा बड़ा भाई है. ठीक है, और 135 हमारा छोटा बच्चा. अब हमें सब्ट्रैक्शन करना है. ठीक है, फिर से हमने किया यहाँ पर 1 10 100. अब हमें सब्ट्रैक्शन कहाँ से स्टार्ट करना है? वंस प्लेस से. हमने वंस प्लेस को लिया 7 माइनस 5,
फिर से हम क्या करेंगे, 5 को माइंड में रखेंगे और काउंटिंग करेंगे कहां तक, 7 तक. 5 के आगे करो 6, 7. हाउ मेनी फिंगर्स आर देयर, 2. सो यू हैव टू राइट डाउन ओवर हियर 2. 3, 4 माइनस 3 1, 9 माइनस 1 8. ओके, सो द आंसर इज 812 एंड दिस इज कॉल्ड डिफरेंस. दो नंबर को माइनस करके जो आंसर मिलता है उसको क्या कहते हैं, डिफरेंस. ओके, अंडरस्टूड. अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन 519 428. अब मेरे वीडियो के साथ साथ आप बोलेंगे फर्स्ट स्टेप क्या है, कंपेयर करो ना, 419 बड़ा है या सॉरी 519 बड़ा है या 428 बड़ा है. 519 हमारा बिगर नंबर, माइनस 428. अब हम क्या करेंगे, वंस टेंस 100 लिखेंगे, फिर हम वंस प्लेस से स्टार्ट करेंगे. 9 माइनस 8 1, ये तो इजी हो गया. अब सेकंड में देखो 1 माइनस 2, अब 2 के आगे कौन सी काउंटिंग करोगे आपके 1 मिलेगा, इट इज पॉसिबल, नहीं. 1 फिंगर है इसमें से 2 फिंगर माइनस करो, कर सकते हैं, नहीं कर सकते. तो भाई अब क्या करेगा, 2 तो दुखी हो जाएगा कि 1 में से तो मैं माइनस नहीं होऊंगा. तो 1 ने क्या किया, 5 को कहा कि प्लीज हेल्प मी. 5 ने कहा ओके टेक 1, और 5 ने 1 उसको दे दिया तो 5 के पास 1 कम हो गया. तो 5 ने लिखा, 5 की जगह हम लिखेंगे 4 और 1 उसके बाजू में सेट होगा. तो 1 क्या बन गया, 11 है ना. 5 ने 1 जो है 1 को कैरी ओवर कर दिया, तो 1 बन गया 11 और 5 बन गया 4, जस्ट प्रीवियस नंबर. अब 2 से 11 तक काउंट करना है, 2 को रखना है माइंड में और 2 के आगे काउंट करो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. कितने नंबर्स आ गए, फिर से देखो 2 को रखा माइंड में, 2 के आगे काउंट करना है 11 तक, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. कितनी फिंगर्स हो गई, 9 फिंगर्स. ओके, सो यू हैव टू राइट डाउन हियर 9. 4 माइनस 4 0, आंसर इज 91. दिस इज कॉल्ड डिफरेंस. जब हम ये 2 क्वेश्चंस कर रहे थे इट बिकम वेरी इजी बिकॉज ये विदाउट रीग्रुपिंग, बिना कैरी ओवर वाले थे. लेकिन जहां हम यहाँ पर आ गए थोड़ा सा हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, बड़े बच्चे जैसा हो गया. बड़े हो गए हो ना आप, फर्स्ट से सेकंड में आ गए हो, तो हम भी सेकंड क्लास वाले क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, इसको देख के घबराना नहीं है, सिर्फ याद रखना है कि यू हैव टू टेक अ बोरो फ्रॉम द नेक्स्ट डिजिट. अगेन 859 368, विच वन इज ग्रेटर, 859 इज ग्रेटर. ओके, माइनस 368 है ना. अब नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, 1 stands 100. अब उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप 9 minus 8 1, वेरी इजी. अब अगेन 5 minus 6, 5 फिंगर्स है इसमें से 6 फिंगर्स माइनस होंगी, है ही नहीं तो कहां से होंगी. तो 5 ने क्या किया, किससे और हो गया 8 से, 8 के पास बड़ा नंबर है ना, तो 8 ने 1 दिया तो 8 के पास 1 कम हो गया, इट बिकम अ 7 और 5 बिकम अ 15. ठीक है, अब 6 को रखो माइंड में और 6 के आगे 15 तक काउंट करो, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. कितनी फिंगर्स आ गई है हमारे पास, 9 फिंगर्स. ओके, सो यू हैव टू राइट डाउन हियर 9. 7 minus 3 3 माइंड में रखना है, 3 के आगे काउंट करो, 4, 5, 6, 7. हाउ मेनी फिंगर्स, 491 इज द डिफरेंस. ओके, इसको कॉपी में नोट डाउन करो, फिर मैं और क्वेश्चंस देखती हूँ.
और अब मैं अभी भी हमको वैसे ही लिखना है, क्वेश्चन है मेरा 321 and 98, ओके ये मेरा 3 digit नंबर है, ये 2 digit नंबर, ओके 321 and 98. सो फर्स्ट स्टेप दोनों में से कौन सा बड़ा है, नेचुरली 321 बड़ा है, 3 digit नंबर है वो हमारा, तो 321 लिखा माइनस अब 98 लिखना है, ठीक है। अगर मैंने 98 ऐसे लिखा तो ये 98 होगा क्या, नो, क्यों, 9 कौन सी प्लेस पे आ गया, 100, तो ये 980 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा रॉन्ग, है ना। तो 2 digit नंबर है, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम वंस प्लेस, ठीक है, रॉन्ग नहीं करना है हमें, वंस प्लेस से लिखेंगे हम। तो अब ये 98 हो गया और ये जो जगह खाली है, एक जीरो बहुत प्यारा सा नंबर होता है, वो यहाँ पर फिट कर दो, ठीक है। अब माइनस करेंगे, 1 - 8 अगेन समस्या, 1 माइनस 8 फिंगर्स तो हो नहीं सकती, तो क्या करोगे आप, 2 को बोला, 2 प्लीज वो गिव 1 फॉर मी, एक 2 ने बोला ठीक है भाई ले ले तू, तो 1 बन गया 11 और 2 के पास बच गया 1, ठीक है। अब 8 से 11 तक काउंट करो, 8 को रखो माइंड में और काउंटिंग आगे करो, 8, 9, 10, 11 कितना आया, 3, ओके। अब 1 - 9 अगेन अ बिग प्रॉब्लम, 1 ने बोला, एक 2 ने तो एक दे दिया था 1 को, 1 बचा उसके पास, वो भी 9 से माइनस नहीं होगा, तो किससे कैरी ओवर करेंगे, 3 से, 3 बन गया 2, इट्स बिकम अ 11, ठीक है। 9 - 11 तो अगेन 9 के आगे करो, 9 के आगे करो 10, 11, ओके 2 एंड 2 - 0 इज 2, दिस इज योर डिफरेंस, ओके। एक और कर लेते हैं ऐसा क्वेश्चन हम, 431 and 170, अगर आप लोग क्लास में होते हैं ना अभी अपन, तो मैं आपसे ही पूछ के नंबर लेती, 175, ओके दिस इज आवर क्वेश्चन, दोनों में से कौन सा बड़ा है, 431, मैंने लिख दिया 431, फिर माइनस 175, ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट, अब दिमाग की कसरत चालू करो, 1 - 5 इज पॉसिबल, नॉट पॉसिबल बिकॉज 1 फिंगर है, इसको 5 फिंगर्स कैसे माइनस करो उसमें से, तो क्या किया, आवाज दी 3 को, भाई 1 देते मुझे बोरो, 3 निकाल ले लो, तो 3 के पास बच गया 2 और 1 यहाँ पर फिट हो गया, तो अभी 1 से क्या बन गया, 11। अब 5 को रखना है माइंड में और 5 के आगे काउंटिंग करना है, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कितनी फिंगर्स है, 6 फिंगर्स, सो यू हैव टू राइट डाउन हियर 6. अब 2 - 7 अगेन 2 के पास तो इतना है नहीं कि वो 7 को माइनस कर सके, उसने आवाज दी 4 को, 4 के पास बच गया 3 और 2 बन गया 12, ओके। अब 7 के आगे काउंटिंग करो, 8, 9, 10, 11, 12 हाउ मेनी फिंगर्स, 5 फिंगर्स, ओके एंड 3 - 1 2 दिस इज योर डिफरेंस, अंडरस्टूड, ऐसे करना है माइनस, थोड़े बड़े बच्चों वाले, सो लाइक दिस आई गिव यू मोर क्वेश्चन इन योर वर्कशीट विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स सॉल्व द क्वेश्चंस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।